हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। हेरिटेज सिटी के सभी मानकों पर खरा उतरेगा दरभंगा, बोले मंत्री संजय कुमार झा। राजस्थान की तर्ज पर यहां के प्राचीन महल भी विशेष पर्यटकीय महत्व के। उड़ान स्कीम के तहत सर्वाधिक सफल है दरभंगा एयरपोर्ट, दरभंगा में बनकर रहेगा एम्स। ज्ञान कोश से भरी पांडुलिपियों को संरक्षित करना हमारा दायित्व। उक्त बातें सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल अललपट्टी दरभंगा में दरभंगा का विकास कैसा हो हमारा प्रयास विषयक एक दिवसीय सेमिनार के मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने कही। आगे मंत्री श्री झा ने दरभंगा के साथ साथ मिथिला के अन्य क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए किसी भी राजनीतिक प्रतिबद्धता वाले दलगत भावना से ऊपर उठकर जनहित में सकारात्मक मंथन को आवश्यक बताया। बिहार सरकार द्वारा अपेक्षित जमीन उपलब्ध कराए जाने के बावजूद अभी तक दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग, स्थायी टर्मिनल निर्माण सहित अन्य सुविधाओं के प्रारंभ नहीं किए जाने पर क्षोभ व्यक्त किया। मंत्री ने विरासत के संरक्षण के लिए यथोचित कदम उठाए जाने पर बल देते हुए कहा कि नालंदा, विक्रमशिला आदि पुरातात्विक महत्व के स्थलों के विकास में उत्खनन का बड़ा ही महत्व रहा है, लेकिन विडंबना है कि मिथिला में उत्खनन की दिशा में अपेक्षित प्रयास अभी तक नहीं किए जा सके हैं। बलिराजगढ़ की ऐतिहासिक महत्ता को रेखांकित करते हुए मंत्री ने उत्खनन के माध्यम से मिथिला के विषय में कतिपय अज्ञात तथ्यों के सामने आने की बात कही। इस क्षेत्र को गोल्ड माइन की संज्ञा देते हुए उन्होंने वर्तमान पीढ़ी के शोधार्थियों से प्राचीन संस्कृति एवं पुरातत्व के क्षेत्र में ईमानदारी से शोध करने का आह्वान किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में मां श्यामा मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष प्रोफेसर जयशंकर झा ने मंत्री को मिथिला के दूसरे ललित बाबू की संज्ञा देते हुए इनके द्वारा सिमरिया सहित अन्य क्षेत्रों में किए जा रहे बहुमुखी विकास को ऐतिहासिक बताया। साथ ही प्रोफेसर झा ने मिथिला के सुप्रसिद्ध साहित्यकार पंडित चंद्रनाथ मिश्र द्वारा प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने दरभंगा को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाए जाने के सपने को साकार किए जाने पर बल दिया। डीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर आर.आर. प्रसाद ने शेरो शायरी के माध्यम से इस नगर के विकास में जलजमाव तथा ट्रैफिक जाम की समस्या का निदान कर दरभंगा के विकसित होने की बात कही। जदयू जिलाध्यक्ष गोपाल मंडल ने कुशेश्वर स्थान को बाढ़ मुक्त बनाने की दिशा में किए गए ठोस कार्यों के लिए मंत्री को साधुवाद दिया। डॉक्टर सोमेश्वर नाथ झा दधीची एवं डॉक्टर रिपुसूदन झा के स्वास्थ्य वाचन से प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम का संचालन स्कूल के चेयरमैन और जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर रिंकू झा द्वारा किया गया। अपने उद्गार में श्री झा ने दरभंगा शहर में यथाशीघ्र आरओबी निर्माण की आवश्यकता बताई। अपने स्वागत भाषण के क्रम में शास्त्र चूड़ामणि डॉक्टर मित्रनाथ झा ने दरभंगा की विरासत को सहेजने के क्रम में 62 बीघा के विशाल भूखंड पर अवस्थित बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन मिथिला शोध संस्थान के समुचित विकास पर बल दिए जाने की बात कही। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर मुकेश प्रसाद निराला ने किया। दीप प्रज्वलन से प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत मिथिला की परंपरा के अनुसार अंगवस्त्र, पाक, मखाना एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल के चेयरमैन रिंकू झा, माउंट समर स्कूल की निदेशक मिनी प्रियदर्शनी, राघवेंद्र कुमार तथा कार्यक्रम के संयोजक उज्ज्वल कुमार द्वारा भेंट की गई पुस्तकों को देखकर मंत्री अभिभूत हुए। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित भाविया थोड़ा सा शॉर्ट कर देना, लंबा मत करना। बच्चे तैयारी कर रहे हैं सर आपके आने के लिए, एक स्वागत गान के लिए। फैन चला तो फैन जल्दी आ गया भैया, जल्दी चेहरे का मरवानी पेंटिंग।
और हम सब कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ हैं कि जिनसे वक्त के सांचे बदल गए। निश्चित रूप से हमारे माननीय मंत्री संजय कुमार झा जी दूसरी कोटि में हैं, जिन्होंने कभी सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया और हमेशा विकास को ही लक्ष्य मानकर और विकास को एक मूल सिद्धांत मानकर आगे बढ़ते रहे हैं। आज की परिचर्चा का विषय बड़ा ही आकर्षक है कि दरभंगा का विकास कैसा हो हमारा प्रयास। जहाँ तक आज का विषय है विकास के बारे में परिचर्चा, मैं ये महसूस करता हूँ कि विकास के बारे में जितने हम लोग जागरूक हैं, मैं समझता हूँ उससे कहीं ज़्यादा हमारे मंत्री जागरूक हैं। ऐसी दरभंगा की कोई समस्या नहीं है जो इनको ना मालूम हो और उसके प्रति जागरूक नहीं। इसका मिसाल है कि विगत कुछ वर्षों में इन्होंने काम करके दिखलाया है और जिस स्पीड और जिस जागरूकता से काम किया है वो खालिदा है। मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा, मैं आज से 15 दिन कबल मिथिला हाट गया था देखने के लिए। मैं जो मेरी सोच थी, मैं सोच ये लिया था कि छोटा सा जगह देखूँगा, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी कल्पना से परे थी। वो मुझे पता चला एक मामूली पोखरा जो बेकार लावारिस की तरह पड़ा हुआ था, उसको इन्होंने देखा, मैंने महसूस भी किया, डेवलप करके एक खूबसूरत रिजॉर्ट, खूबसूरत स्थली, और वो ग्रामीण और शहरी सभ्यता का मिलन है, प्राचीन और आजकल की सभ्यता का संयम है। और तो और मुझे वहाँ की फंसा घर में भोजन करने का सौभाग्य का कैसा प्रयास हुआ इस सबसे हम लोग अवगत। हम यहाँ बैठे हुए थे, बहुत सारे हमारे अभिभावकगण अपना अपना विचार दे रहे थे। दरभंगा का बहुत विकास हुआ है और बहुत विकास होना बाकी है, ये मेरी अपनी सोच। इसी दरभंगा में कुशेश्वर स्थान भी आता है। वह कुशेश्वर स्थान जहाँ बाबा कुशेश्वर नाथ रहते हैं, और हम लोग कहते हैं कि मिथिला का देवघर कुशेश्वर स्थान है। कुशेश्वर स्थान जिसे यह माना जाता था कि 6 महीना पानी के अंदर कुशेश्वर स्थान डूबा रहता था, सड़कें नहीं थी। हम लोग भी अपने बाबा का दर्शन करने के लिए यहाँ से निकलते थे तो 6 घंटा कम से कम समय लगता था कुशेश्वर स्थान जाने में। अभी का जो मौसम है, पिछले साल तक यदि इस मौसम में आप एक गांव से दूसरे गांव जाते तो आपको नाव का सहारा लेना पड़ता, नाव के अलावे कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन जहां तक मैं विकास की, दरभंगा के विकास की बात में मैं कहना चाहूंगा कि आज आप चले जाइए, पिछले बार भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को लेकर के हमारे माननीय मंत्री संजय कुमार झा जी गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नाव के सहारे जाना पड़ा था, लेकिन एक साल के अथक प्रयास के बदौलत, संजय झा जी के प्रयास की बदौलत जहां नाव चलता था उस कुशेश्वर स्थान में आज धान की खेती हो रही है, ये दरभंगा का विकास। दरभंगा शिफ्ट किया था बिजनेस करने के लिए, तो हम जमीन ढूंढ देते थे कहाँ, जो एयरपोर्ट का 24 घंटे का लाइन होता था, जहाँ होता ना कि एयरपोर्ट वाला लाइन 24 घंटे के लिए होता था, वो कौन सा एयरपोर्ट तो अभी बना है ना, पहले दिल्ली मोड़ की तरफ 24, तो मैं बोलता था सबको वहाँ जमीन ढूंढो भाई 10 दूर भी सही, वहाँ जमीन लेंगे कि 24 घंटा लाइट रहेगी, क्योंकि 22 घंटे 23 घंटे लाइट दरभंगा में नहीं रहती थी। बट ये तो जरूर है कि आज हम लोग शायद 24 घंटा में 24 मिनट लाइट नहीं रहती है, और लाइट का हम लोग बिजली का पूरा आनंद उठाते हैं। आप जानते हैं कि दरभंगा इस मिथिला की हृदय स्थली है, और कहते हैं कि मिथिला इस पूरे बिहार का सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है इसको, तो इसलिए
ज्ञान तप जप विद्या बुद्धि विवेक इसकी नगरी है मिथिला। और इस दरभंगे के बारे में कहा जाता है पग पग गोपी माछ पान मकान मुख बुध मुख में मधुर मुस्कान पान माछ मकान मुख में मधुर मुस्कान यही है मिथिला की पहचान। तो ये हमारा मिथिला है और इस दरभंगा के विकास में जितना योगदान किया गया है वो अद्भुत है बहुत ही वो जितने भी कम ली जाए शब्द कहा जाए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन हमारी तो जितना भी विकास है हमारी हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश बता लीजिए। मैं दरभंगा का इतिहास देखने में तो कैसे इसका इतिहास शुरू हुआ कैसे ये सब डिवीजन था कैसे ये तिरहुत से अलग होकर के फिर दरभंगा जिला बना फिर कैसे 72 ईस्वी में दरभंगा से अलग होकर के मधुबनी और समस्तीपुर बना और दरभंगा का अगर आप पूरा वो देखिएगा तो इतना बड़ा लेगेसी और इतिहास है दरभंगा का। लेकिन जब शहर की स्थिति हम देखते हैं आज मैं शहर पर ही बात रखता हूं तो क्या ये स्मार्ट शहर का 1% भी है? अपना कमी एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं है तभी आप आगे बढ़कर कुछ चीजों को ठीक कर सकते हैं। क्या ऐसा रूप है अगर 4 महीना बरसात हो जाता है तो पूरा शहर चौको ब्लॉक में पूरा ब्लॉक हो जाता है निकलना मुश्किल हो जाता है। दरभंगा शहर प्रॉबेबली देश का टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी मार गया शायद बिहार का तो है ही कि सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर दरभंगा हो गया दुनिया अब या पर जो भी फिगर हो लेकिन कोई ना कोई रैंक हासिल कर लिया है प्रदूषण के मामले में। अब हम लोग तो कोरोना के डॉक्टर साहब लोग बैठे हुए दौर से गुजरे हुए लोग ये हमारा जनरेशन ऐसा दौर देखा है जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था किसका जान बचेगा किसका नहीं बचेगा उसमें हम लोग सर्वाइव करके आज बैठे हुए हैं। तो आज अगर ये शहर इतना पॉल्यूटेड है आज अगर शहर में इतना बड़ा जाम लगता है अभी गोपाल जी बता रहे थे कि शहर में मैं अभी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा लेकिन इतना बड़ा जाम लगता है आरोपी के लेकर सॉल्यूशन होना चाहिए इस चीज का यही के लोग हैं ना कोई भी पार्टी हो कोई भी सरकार लेकिन उसका रास्ता निकलना चाहिए शहर का एक्सपेंशन होना चाहिए सब कुछ एक शहर में ही कंसंट्रेटेड हो गया तो शहर का एक्सपेंशन ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए ये भी नहीं कि बेतरतीब एक्सपेंशन हो जाए शहर दरभंगा का एक मॉडर्न रूप हो सकता है और कोई चीज असंभव नहीं है। आज अगर पटना के बाद एक एयरपोर्ट दरभंगा में मैंने आप लोग अदरवाइज इसको नहीं लीजिए भागलपुर भी शहर है ना मुजफ्फरपुर भी शहर है ना पूर्णिया भी बड़ा शहर है तो क्यों दरभंगा में ये एयरपोर्ट फंक्शनल है वहां भी एमपी एमएलए है ऐसा तो नहीं कि वहां पावरफुल समझदार एमपी नहीं है ज्ञानी एमपी नहीं है वहां समझदार एमएलए या मंत्री नहीं है तो क्यों पटना के बाद अगर दूसरा सक्सेसफुल एयरपोर्ट केंद्र सरकार ने 200 से ज्यादा उड़ान स्कीम में एयरपोर्ट सैंक्शन किया 90% एयरपोर्ट फेल हो गए उड़ान स्कीम जितना एयरपोर्ट उड़ान स्कीम में खुला सीएजी का रिपोर्ट आता है वो ऑथेंटिक रिपोर्ट कैग का रिपोर्ट आता है कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का और उसके रिपोर्ट में है कि जितना एयरपोर्ट खुला देश भर में उड़ान स्कीम वो सारा एयरपोर्ट में 90% एयरपोर्ट फेल है और जो 5-7% सक्सेसफुल एयरपोर्ट हुआ उसमें दरभंगा नंबर वन पे है। अब उड़ान स्कीम में क्या है
नॉलेज जानकारी रहनी चाहिए। उड़ान स्कीम का मतलब था हवाई चप्पल वाला भी प्लेन में चढ़ेगा। अब ईमानदारी से मुझे बताइए, और ये था कि आप टैक्स में छूट देंगे तभी ना कॉस्ट कम लगेगा। पटना दिल्ली के एयरपोर्ट से दरभंगा के एयरपोर्ट को नहीं कंपेयर कर सकते। जो ATF लगता है, एयर टर्बाइन फ्यूल, वो टैक्स होता है जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। 28% टैक्स पटना से लगता है। पटना से आप टिकट खरीदेंगे दिल्ली का, चार जगह है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, प्रॉब्ली चेन्नई या हैदराबाद, कोई चार सिटी, और वहां 28% टर्बाइन फ्यूल चार्ज। दरभंगा में बिहार सरकार 1% ले, उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट, उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, लेकिन फेयर 17,000, अभी तो कम होगा हो सकता है, लेकिन यही अभी आ रहा है दुर्गा पूजा, जरा गूगल करके देखिए। तो भाई क्यों नहीं हमको मिले भी, मैं कोई कहा ना, आज मैं कोई सिर्फ राजनीति के बियॉन्ड बात करूंगा। दिन भर तो हम लोग राजनीति का ही बात करते रहते, लेकिन अगर आज बैठे हुए हैं यहां पर, एक बार मन से जो समझ में आता है बात रखते हैं, होना चाहिए, हुआ कि लैंड एक्वायर करके देना चाहिए। डीएम दरभंगा ने नवंबर में हम लोग लगे, मैं मुख्यमंत्री जी को मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं, लेके आया था, जयनगर ले गया। कोरोना का फेज था, हमको लगता है 21 में या 20 में, को ध्यान नहीं आ रहा, 20 में हाँ, तो ये है 20 में ले गया वहां जयनगर में, क्योंकि कमला का हाल ठीक नहीं था, और रास्ते में दरभंगा एयरपोर्ट पे उसी रास्ते से हम लोग जयनगर जा रहे थे, तो 5-10 मिनट रुके हुए, और वहीं से उन्होंने कहा कि नहीं मैं तुरंत लैंड एक्वायर करके दी, और वहीं से वो बात किए उस समय जो मंत्री थे उस विभाग के, हरदीपपुरी से, उसी एयरपोर्ट से, अब बोले कि ये सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की होना चाहिए। आज जब ये एयरपोर्ट बन रहा है, दरभंगा का एयरपोर्ट का रनवे पटना के एयरपोर्ट के रनवे से 1.5 गुना बड़ा, तो जो बड़ा प्लेन लैंड पटना में आप लैंड कीजिए तो आपको बिल्कुल खड वाला आता है फीलिंग, क्योंकि उसका रनवे का लेंथ छोटा, कभी कभी ये भी आता है कहीं वो ओवरशूट नहीं कर जाए रनवे के आगे। दरभंगा का एयरपोर्ट, ये तो जो बड़ा जहाज होता है 380-330 वो लैंड करने का आज कैपेसिटी है इसमें बना हुआ, और जमीन ले करके दे दिया नवंबर में 24 एकड़, क्योंकि 24 एकड़ में वहां ILS लगना, ILS हो गया जो रनवे के ऊपर लाइट लगता, नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के, कि रात में भी प्लेन लैंड कर सके उसके। आज तक उस पर काम नहीं शुरू, वेस्ट जो जमीन है उसका टर्मिनल बिल्डिंग बन गई, उसका जमीन फरवरी में एक्वायर करके दे दिया, ये एक्वायर करके बिहार सरकार को देना था। 342 करोड़ रुपए का जमीन, 78 एकड़ जमीन बिहार सरकार एक्वायर करके दे दी। अब नवंबर से, अभी हम लोग कब बात कर रहे हैं, हो गया अगस्त, खत्म होने वाला 10 महीना में टेंडर हो करके आधा काम हो जाता अगर किया जाए। आप मुझे बताइए कि क्यों इस पर प्रयास नहीं किया गया, कि जब इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट है, आज हम लोगों को शर्म लगता है कि प्लास्टिक का चेयर वहां पर ले रहे हैं 20,000, अब बैठा रहे हैं प्लास्टिक के चेयर, तो कौन ठीक करेगा भाई इसको ले रहे? ये एयरपोर्ट इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट, एम्स आया, मैं इसलिए चर्चा कर देता हूं कि रिकॉर्ड पे बात स्ट्रेट रहे, एम्स आया, क्या दरभंगा के किसी बुद्धिजीवी ने, कोई डेलीगेशन ने, किसी ने एम्स का उठाया था मुद्दा कि दरभंगा में एम्स आना चाहिए? कोई मूवमेंट हुआ हो, कोई आंदोलन हुआ हो, कोई लोग नहीं, पता ही नहीं था एम्स आने वाला है किसी को, कहां से आंदोलन होगा?
और जब एम्स बिहार को मिला तो नीतीश जी ने तय किया कि दरभंगा में एम्स खोलेंगे। सिस्टम रिकॉर्ड, क्योंकि अगर 1270 करोड़ रुपया का एम्स निर्माण का बिल्डिंग भारत सरकार को बनाना, मैं दोनों का सहयोग चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, एक के सहयोग से नहीं होगा। अब मैं पॉलिटिक्स भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट्स बता रहा हूँ, फैक्ट्स में गलत है तो मुझे काट दीजिए। और बिहार सरकार को उससे ज़्यादा का जमीन एक्वायर करके देना है। 150 एकड़ जमीन का क्या वैल्यू होगा साहब? अभी 300 एकड़ लैंड फिलिंग कराना, रोड बना के देना है अगर सोभन में बनता है तो। और बिहार सरकार ने क्या कहा कि भाई डीएमसीएच को भी डेवलप करेंगे और आपको देश में जहां भी एम्स बना है वो एम्स बना है ग्रीन फील्ड एरिया, कोई भी एम्स किसी अस्पताल के अंदर नहीं बना। पटना का एम्स कहाँ है? पीएमसीएच के अंदर है, आईजीएमएस के अंदर है, कि पटना का एम्स फुलवारी में है शहर से बाहर? ऐसा जगह दे दिया। आज अगर कोई सर्वे करा ले दरभंगा में तो 99% लोग कहेगा कि लोकेशन सही है, 99% लोग कहेगा, जो भी मिलते हैं वो कहते हैं कि लोकेशन सही है। हम देखे गवर्नर से मिलने गए हुए आ साधु संत को भी यूज कर लेते हैं, ये साधु संत का काम नहीं है भाई। जो भी साधु संत जाते हैं राजनीति के फेरा में मत पड़िए, आपका काम नहीं है, तब तो उसी खेमा में आपका ठप्पा लग जाए। आप कहे गए थे गवर्नर साहब से मिलने? कोई भी गए, बिहार सरकार तो जमीन एक्वायर करके दे दी है, पैसा सैंक्शन करके दे दी है भरने के लिए। अगर बिहार सरकार के तरफ से कोई कमी हो तो आप क्वेश्चन कीजिए बिहार सरकार को, पकड़िए भी गलती की है। क्या आप चाहते हैं डीएमसीएच बंद कर दे? ये भी बताइए कि डीएमसीएच बंद करके एम्स खोलना? बिल्कुल नहीं चाहते। डीएमसीएच बंद करके एम्स खोलना है यही बताइए, तो आप इसका मतलब दरभंगा के विकास के विरोधी हैं जो लोग भी काम कर रहे हैं? हमको नहीं लगता है उस चीज को ठीक सब लोग, मतलब हम ये कह रहे हैं, हम गए बाहर अमेरिका, हम जो अमेरिका में बताया कि वाशिंगटन जो है वो म्यूजियम का सिटी है, जब म्यूजियम देखने गए तो एक वर्ल्ड वॉर 2 का म्यूजियम, एक वर्ल्ड वॉर 1, 100 वर्ष के इतिहास को मार्केटिंग कर रहे हैं, और आपका कोई भी चीज 1000 साल से पुराना ही है, कम नहीं, उससे उसके नीचे नहीं। कहाँ हम लोग उस चीज को कन्वर्ट करके चीज़ों को बदल सकते हैं? टाइम आ गया, मैं कोई पॉजिटिव बात कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को अगर आने वाले समय में चाहे एक नया दरभंगा का स्वरूप टाउन का बनना हो, लिवेबल सिटी हो, रहने वाला जगह हो, और एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर जाए। और आज ही मैं गया था मखाना का एक अरेर में है, और कितने सारे मिथिला के लोग रहते हैं बाहर देश और दुनिया में, अब वो चाहते हैं आ करके अपना काम मिथिला में करने के। एयर कनेक्टिविटी सबसे बड़ा रीजन है, अब खोले हैं वहाँ पर इतना बड़ा मखाना का प्रोसेसिंग सेंटर, और आपको दूसरा अपना विरासत, ये जो अपना विरासत जितना हिस्ट्री है और वो जो चीज़ है उसको संरक्षित करके अगर ठीक से हम लोग लेके जाते हैं मोमेंट दरभंगा और ओवरऑल मिथिला। दरभंगा तो सांस्कृतिक राजधानी है, दरभंगा का मतलब दरभंगा शहर और बंगाली थोड़ा थोड़े है, दरभंगा का मतलब पूरा मिथिला समाहित है इस दरभंगा में, ये तो हम लोगों का सांस्कृतिक राजधानी कल्चरल कैपिटल है दरभंगा। तो मुझे लगता है कि इसको पॉजिटिव फ्रेम से प्रयास करते रहना चाहिए, और जो बड़ा सपना देखता है वही बड़ा लकीर खींच सकता है, तो हम लोग कोशिश करना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ इनको झाजी को कि आज एक बहुत ही पॉलिटिकल बात तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसा इसकी जानकारी रहनी चाहिए, और जब हम लोग डिस्कशन करते हैं उसी से फिर रास्ता भी निकलता है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे बुलाए, बहुत बहुत धन्यवाद। घाट बना दिए इन्होंने, बताया है आप लोग सुने हैं, लेकिन हम जाकर के देखे हैं। लवानी में जो कार्यक्रम हुआ था संजोग से, उस प्रोग्राम में शिरकत करने का मुझे मौका मिला था, पूरा गांव बाढ़ में पानी से अंदर हो जाता था, पानी में डूब जाता था, और ऐसा घाट इन्होंने बनाया है कि पानी में बाढ़ में तो उस गांव से निजात मिल ही गई उसको, और पूरे गाँव वाले उसको पूरे साल भर सही में जैसा बताया उन्होंने को उसको यूज करेंगे।
त्रिमुहानी घाट के पास त्रिमुहानी घाट भी गए मंत्री महोदय, वहां भी काफी आश्वासन दिया है बहुत कुछ डेवलपमेंट करने का, और वहां पर भी एक घाट का निर्माण कराया इन्होंने, संयोग से वहां भी जाने का मुझे मौका मिला और बहुत अच्छा। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट कार्य कर रहे हैं माननीय मंत्री जी, निश्चित रूप से हम लोगों के दरभंगा का विकास होगा और हम लोग चाहेंगे कि इस तरह के कर्मठ प्रतिभावान और जिनका विजन क्लियर हो, अगर हम लोगों का नेतृत्व करने का मौका इनको मिल जाए तो शायद इससे खुशी हम लोगों के लिए कोई बात नहीं है। मैं कह सकता हूं कि हमारे विकास पुरुष के रूप में जो उभरे हुए व्यक्तित्व हैं वर्षों से, श्री संजय कुमार झा जी, ये जो चाह लेते हैं दिल से वो काम हो भी रहा है। इनकी चाहत में सिर्फ एक बाधा, शोभन की शोभा एम्स। मैं कहता हूं मैंने श्यामा माई में इनका माथा ठोक के आशीर्वाद दिया था आज से 15 साल पहले, और इनका व्यक्तित्व जिस प्रकार से हम सबों के लिए वरदानी व्यक्तित्व हुआ, मैं आज कहता हूं श्यामा स्वामी भोले दानी जो त्रिमुहानी संगम धाम पे अभी हाल में आए हैं और जिनका कोई जोड़ा न काशी में है न बाबा धाम में है, मैं भोले दानी की ओर से आपको आशीर्वाद भी देता हूं कि शोभन की शोभा एम्स बनेगी, दरभंगा एम्स शोभन की शोभा बनेगी। ये कार्यक्रम था दरभंगा का विकास कैसा हो हमारा प्रयास, ये शीर्षक था, इस पर परिचर्चा किया हम लोगों ने, और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री माननीय श्री संजय कुमार झा जी थे, और काफ़ी ये था कि दरभंगा हमारा कैसा विकास करे। माननीय मंत्री जी ने बहुत सारे विकासात्मक कार्यों की चर्चा की, क्या विकास हुआ और क्या विकास और करने वाले हैं, जो हो गया वो तो हो गया और अब हम लोग क्या विकास करना चाह रहे हैं, चाहे आम जनता की तरफ से हो या सरकार की तरफ से, क्या विकास के लिए रूपरेखा तैयार की गई है और उससे आगे कितना विकास हमारा हो पाएगा दरभंगा समेत पूरे मिथिलांचल का, इस पर माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत से प्रकाश डाला है। और निश्चित रूप से अगर ये सारा जितना कार्य उन्होंने बताया है अगर सब ये हो जाता है तो हम दरभंगा वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है और निश्चित रूप से हम लोग विकसित दरभंगा की श्रेणी में